कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज अदन और एला के फासले से भी ज्यादा बड़ा है। ये दो इलाकों के नाम आपने बताए, जिससे ये तसव्वुर देना मकसूद था कि उसका तूलो अर्ज कितना बड़ा होगा। आमतौर पर तो हौज छोटे से होते हैं, लेकिन हौज कौसर की बात की जा रही है कि वो इतना बड़ा होगा जैसे अदन। अदन कहाँ पर है? यमन में। और एला फलस्तीन की तरफ है। तो इतना बड़ा हौज होगा, उसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है। ये जो अरबी इबारत है इसमें आता है कि दूध में मिले हुए शहद से, यानी जो दूध और शहद को मिला के शरबत बनाया जाता है, उससे ज्यादा मीठा। इस पर रखे हुए बर्तन तादाद में आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। क़यामत के रोज मैं दूसरी उम्मत के लोगों को इस तरह अपने हौस पर आने से रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊँटों को अपने हौस पे आने से रोकता है। यानी इस हौस से सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग ही सैराब हो सकेंगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमको उस रोज दूसरी उम्मतों के लोगों में पहचान लेंगे? आपने फरमाया, हाँ, वुजू के बायस तुम्हारे हाथ पांव इस कदर रोशन और चमकदार होंगे कि ऐसे निशान किसी दूसरी उम्मत के लोगों के लिए नहीं होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हौज़े कौसर पर जाएगी और आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे। किससे? वुजू के अलामात से, आज़ाए वुजू के चमकने की वजह से। इससे क्या पता चलता है कि आपने जो तरीका बताया, जो सिखाया, वो दरअसल सारी पिछली तालीमात का खुलासा है,